चौरी चौरा में 25 मार्च को पुलिस बल पर पथराव करने वाले 9 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि थाना जंगा क्षेत्र के सेना में नियुक्त जवान धनंजय यादव पुत्र रामनाथ यादव निवासी राघोपट्टी पडरी थाना जंगा जनपद गोरखपुर की मृत्यु पूर्व में सिक्किम में हो जाने के उपरांत 25 मार्च को शव को गाँव राघोपट्टी पडरी में लाए जाने के उपरांत उपद्रवियों द्वारा अनावश्यक रूप से थाना चौरी चौरा के भोपा बाजार में रोड जाम करके धरना प्रदर्शन व ईंट पत्थर प्रशासन के ऊपर चलाया गया, जिसमें सार्वजनिक संपत्ति व वाहन क्षतिग्रस्त व नष्ट हुआ, जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल व्याप्त हो गया, जिसके संबंध में 26 मार्च को चौरी चौरा थाना क्षेत्र में 7 मुकदमा पंजीकृत हुआ, जिसमें 5 जनता की तहरीर पर जिनके साथ दुर्व्यवहार व उनके वाहन को क्षति पहुंचाई गई तथा 1 मुकदमा रेलवे जीआरपी व चौरी चौरा पुलिस द्वारा थाने में पंजीकृत किया गया, जिसको देखते हुए वीडियो के आधार पर 9 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी पहचान शब्बीर अहमद उर्फ डब्लू पुत्र स्वर्गीय रामसुद्दीन निवासी भोपा बाजार थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर, दूसरा वसीम मोहम्मद पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी मुंडेरा बाजार थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर, तीसरा शत्रुधन पुत्र रामचंद्र हरिजन निवासी बाल बुजुर्ग थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर, चौथा अभिमन्यु विश्वकर्मा पुत्र दिनेश विश्वकर्मा निवासी बाल बुजुर्ग थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर, पांचवा राजेश यादव पुत्र तारा प्रसाद निवासी महादेवा जंगल थाना चौरी चौरा जनपद गोरखपुर को नई बाजार से 9 बजे तथा बाकी छठवा डब्लू यादव पुत्र राजेंद्र यादव निवासी बरबसहा जंगल रसूलपुर नंबर 2 थाना झंगा जनपद गोरखपुर, सातवा आदित्य यादव पुत्र महेंद्र यादव निवासी बरबसहा जंगल रसूलपुर नंबर 2 थाना झंगा जनपद गोरखपुर, आठवा जयचंद्र मल्लाह पुत्र गोलई निवासी जंगल रसूलपुर नंबर 2 टोला सवलभारी थाना झंगा जनपद गोरखपुर, नौवां ब्रजेश यादव पुत्र चंद्रदेव यादव निवासी नरेंद्रपुर थाना झंगा जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसएसपी ने बताया कि बाकी अभियुक्तों की तलाश जारी है, जल्द ही अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में चौरी चौरा थाना प्रभारी सुबोध कुमार, झंगा थाना प्रभारी संतोष कुमार अवस्थी, वरिष्ठ उप निरीक्षक मनोज कुमार यादव, वीरेंद्र बहादुर सिंह, विजय प्रताप सिंह, देवेंद्र दुबे, अवधेश पांडे, मदन मोहन मिश्रा, चंदन कुमार राय, आलोक सिंह, सुनील यादव, हेड कांस्टेबल राकेश यादव, कांस्टेबल धीरज सोनी, कुंवर विजय सिंह, पीयूष सिंह, हेड कांस्टेबल अनिल राय, कांस्टेबल रामकृष्ण यादव, प्रदीप कुमार, विपिन यादव, ऋषि रमण उपाध्याय, विकास कुमार, सूरज यादव, राकेश यादव, महेंद्र तिवारी शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा ने कहा, सामने देखो दिनांक 25 तारीख को थाना चौरी चौरा में एक मामले में उपद्रव किया गया था कुछ उपद्रवियों द्वारा, जिस पर कि पुलिस ने 6 मुकदमे दर्ज करवाए हैं उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में, और उन्हीं की गिरफ्तारी आज की गई है।
कुल 9 लोग हैं जो इन मुकदमों में गिरफ्तार हुए हैं और ये सभी उपद्रवी जो हैं वीडियो के आधार पर चिन्हित करके और आसपास के लोगों से पूछताछ करके इनको गिरफ्तार किया गया है और इन सभी को आज गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। जो शेष अभियुक्त रहे हैं उनकी भी लगातार तलाश जारी है और पुलिस टीम अलग अलग जगहों पर दबिश दे रही है। शीघ्र ही अन्य अभियुक्तों को भी गिरफ्तारी की जाएगी और जो अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हो पाएंगे या जो फरार रहेंगे उनका वारंट निकलवा कर कुर्की की जाएगी। साथ ही जो भी इन्होंने संपत्ति का नुकसान किया है उसकी भरपाई इनके द्वारा नियमानुसार करवाई जाएगी और इसमें पुलिस कठोरतम कार्रवाई इन लोगों पर करेगी जिससे कि अन्य उपद्रवी दोबारा किसी प्रकार की कोई घटना न कारित करें। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि इनके विरुद्ध कोई आपराधिक इतिहास हो, कहीं गांव में इन्होंने किसी को प्रताड़ित किया हो, पूर्व में कोई इस प्रकार की घटनाएं इनके द्वारा किसी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध की गई हों तो उनके विरुद्ध और भी कठोरतम कार्रवाई पुलिस द्वारा की जाएगी। कुल 56 नामजद अभियुक्त पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज करवाया है। इसके अलावा और भी लोग हैं जो पूछताछ में जिनका नाम सामने आया है उनका नाम पुलिस ने मुकदमे में खोला है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस टीम दबिश दे रही है। फिलहाल ये जो 9 लोग पकड़े गए हैं ये सभी नामजद अभियुक्त हैं जिनका नाम मुकदमे में दर्ज है और ये इन्होंने उस दिन घटना में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और उपद्रव किया और पुलिस पर जानलेवा हमला किया। जो राहगीर थे, जो व्यापारी थे वहाँ पर, उनके प्रतिष्ठानों को, वाहनों को नुकसान पहुँचाया था और इनके विरुद्ध हत्या का प्रयास, सरकारी कर्मचारी पर बल प्रयोग, सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करना, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करना, 7 CLA एक्ट और लूट इत्यादि में इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। वहाँ पर कुछ राहगीर भी थे जिनके साथ में इन्होंने छीना झपटी की और उनके कागजात या पैसे वगैरह छीन लिए और उनके वाहनों को नुकसान पहुँचाया। इन सभी धाराओं में इनके खिलाफ चार्जशीट किया जाएगा और इन्हें आज पकड़कर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही अलग अलग जगहों पर हमारी टीम, पुलिस टीमें लगातार प्रयासरत हैं अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी के लिए।